नमस्कार, आप लाइव स्टडीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। रुपौली उपचुनाव के नतीजे और परिणाम सभी के सामने हैं। देखिए क्या रुपौली उपचुनाव में खेल हुआ, शंकर सिंह को किसने मदद पहुंचाई, शंकर सिंह जीत गए, सर पर जीत का ताज सज गया। देखिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर है, पहले ही भविष्यवाणी कर चुके थे कि शंकर सिंह रेस में आगे निकल सकते हैं, मगर बयानबाजियों का दौर तेज है। राजद के नेता बड़ा बयान दे रहे हैं, कह रहे खेल हुआ, शंकर सिंह को मदद पहुंचाई गई। किसने मदद पहुंचाया? क्या चिराग पासवान ने खेल किया? पप्पू यादव क्या सच में फेल रह गए? तमाम बातों पर आज चर्चा करेंगे। सीधा सवाल रवि सर, पहला यही होगा, शंकर सिंह तो जीत गए, बयानबाजी खूब हो रहा है, कहा जा रहा खेल हुआ, किसने किया खेल? देखिए सबसे बड़ी बात है कि रुपौली में इस बार जो शंकर सिंह जीते हैं, हाँ, निर्दलीय जीते हैं जी, कैंची छाप से जीते हैं जी, और लोकसभा का चुनाव भी पूर्णिया जो वहां पर राजेश रंजन और पप्पू यादव निर्दलीय जीते, कैंची छाप से जीते, तो दोनों को डॉट से डॉट मिला लीजिए जी। अब आप देखिए कि कैंची छाप वहां पर उसी लोकसभा क्षेत्र के विधानसभा में जब उपचुनाव हो रहा है, कैंची छाप जीत रहा है, हाँ, निर्दलीय उम्मीदवार जीत रहा है, शंकर सिंह जीत रहे हैं, और लोकसभा का चुनाव ठीक उससे एक दो महीना पहले हो रहा है, एक महीना पहले हो रहा है, उसमें राजेश रंजन और पप्पू यादव जीत गए, कैंची छाप से जीत गए, एकदम पूरी तरह से कहानी क्लियर है। अब आगे बढ़िए, हम लोग बार बार इस बात को लाइव सिटीज कह रहे थे, हम लोग कि जब हम लोग रुपौली के विधानसभा उपचुनाव की चर्चा कर रहे थे, हम लोग कह रहे थे कि देखिए अमूमन ऐसा होता है कि जो सत्तारूढ़ दल होती है वह जीतती है, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखिए कि मार्जिन, लूज करने का मार्जिन और जीतने का मार्जिन कितना कम, नंबर एक। नंबर दो बात क्या है, आप अगर यदि देख रहे हैं तो यहाँ पर जो समीकरण दिखाई पड़ रहा है, कुछ समीकरण समझ से थोड़ा सा परे हो रहा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, हाँ। नंबर एक बात। नंबर दो बात कि अब देखिए जब निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह वहां से जीत गए हैं तो वहां पर कितना हायतौबा एनडीए की तरफ से, महागठबंधन के तरफ से, और देखिए इसमें क्या हुआ, न तो तेजस्वी जीते, न वहां से नीतीश कुमार की पार्टी जीती, हाँ, न नीतीश जीते न तेजस्वी जीते, जीत गए यहाँ पर शंकर सिंह, शंकर सिंह निर्दलीय। ठीक उसी तरह से देखिए, और यहाँ पर दो जो बीमा भारती जो आरजेडी से प्रत्याशी थी, हाँ, जो जेडीयू से उम्मीदवार थे कलाधर प्रसाद मंडल, वो दोनों ही जो है सो किस समाज से थे, बिल्कुल वह दोनों ही जो है सो गंगोता समाज से थे, पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज से थे, इस बात को समझिए। शंकर सिंह जो ठाकुर समाज से थे, अपर कास्ट से थे, सवर्ण समाज से थे, वो वहां जीत गए। तो ये रुपौली विधानसभा का जो डेमोग्राफी है, जो उसका जो रुपौली विधानसभा का जो समीकरण बताता है, वहां पर देखिए अल्पसंख्यक कितने हैं, बिल्कुल पिछड़ा अति पिछड़ा कितने हैं, कुछ सर्टेन पॉकेट्स में आपको ठाकुर समाज का वोट है वहां, लेकिन फिर वहां गंगोता समाज डिसाइडिंग फैक्टर 25% के आसपास होता है, वो अमुस्लिम वोट, वो आप देख लीजिए उसमें भी देखिए डिवीजन ऑफ वोट हुआ, मुस्लिम वोट जो है सो शंकर सिंह को मिल गया, गंगोता का वोट भी जो है सो जो जिस समाज से बीमा भारती और कलाधर प्रसाद मंडल जेडीयू प्रत्याशी थे, वह भी में भी उसमें भी डेंट हुआ, यह सब एकदम पूरी तरह से। अब तो देखिए तेजस्वी यादव का मैजिक नहीं चला, आखिरी प्रचार के आखिरी दिन तेजस्वी यादव भी पहुंचे थे। देखिए पप्पू यादव ने भी सवाल खड़े किए और बहुत माकूल सवाल उठाया है पप्पू यादव नहीं, ने वही बता रहे, देखिए वो तेजस्वी यादव जो यादव समाज की बात करते हैं, यादव समाज का उनको उतना ही वोट मिला, आप देखिए बीमा भारती को कितना वोट मिला, हाँ, जितना वोट बीमा भारती को मिला, आप बीमा भारती का वोट देखिए 30,619 वोट, वही कह रहे, तो वो गंगोता का वोट, हाँ, कुछ उनको मिला, हाँ, परसेंटेज ज्यादा नहीं मिला, और वो भी गंगोता का, और मुस्लिम का वोट थोड़ा मिला, थोड़ा मिला, पूरा नहीं मिला, और उसके बाद से आपको यादव का वोट उनको मिला, इसमें कहीं को दो मत नहीं, वही उनको 30,000 वोट आपको दिखाई पड़ रहा है। अब सर एक अहम सवाल हम पहले ले लेते हैं, सर कहा जा रहा है, जो बातें कही जा रही है कि बेशक रुपौली उपचुनाव में खेल हुआ है
और लगातार अब तो राजनीतिक दल के नेता कह रहे हैं, राजद के प्रवक्ता हैं शक्ति सिंह यादव कह रहे हैं खेल तो हुआ है, अब राजेश राठौर कह रहे हैं खेल हुआ है। एक मिनट ठीक है खेल हुआ, उस पर भी हम आते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम बता दें कि 2020 के विधानसभा का जब आम चुनाव हो रहा था रुपौली का, तब वहां पर क्या वोटिंग परसेंटेज और क्या वोट, बिल्कुल बिल्कुल वो देखिए, उस समय जब 2020 का विधानसभा का चुनाव हो रहा था उस समय जदयू प्रत्याशी बीमा भारती थी जो अभी लालटेन से इस बार लड़ रहे थे, बिल्कुल, तो उनको मिला था 64,324 वोट। हाँ, इस बार बीमा भारती को कितना मिला, 30,619 वोट जी। और जो दूसरे नंबर पर थे शंकर सिंह 2020 के विधानसभा चुनाव में, उनको 44,994 वोट मिला था। इस बार शंकर सिंह जीत गए, उनको शंकर सिंह को इस बार कितना मिला, 68,070 वोट। तो जीतने वाले 2020 में जीतने वाली बीमा भारती को 64,000, इस बार 68,000 शंकर सिंह को। हाँ, ये हम बताना चाह रहे हैं कि बढ़ा है, आंकड़ा बढ़ा है, लेकिन उसी रेशियो में आसपास। हाँ, आपको 44,000 तो उस बार भी आया था उनको शंकर सिंह को, बिल्कुल, जब दूसरे पायदान पर रहे थे 2020 के आम चुनाव में। तो ये जो है सो इस बार जो है सो कलाधर मंडल को 59,824 वोट है, बिल्कुल, तो वो उसी रेशियो में देखिए वोट आपका कहीं को ज्यादा नहीं। और सीपीआई के उस समय 2020 के उपचुनाव में आम चुनाव में विकास चंद्र मंडल वहां से लड़े थे। हाँ, तो वो उनको 41,963 वोट मिला था। वही महागठबंधन था जो आज जो महागठबंधन से बीमा भारती लड़ रही हैं, वहां से जो चुनाव जीत मने हारी हैं, उस समय 2020 में विकास चंद्र मंडल ही सीपीआई से थे, महागठबंधन कह लीजिए जो कह लीजिए वहां पर। इस बार भी सीपीआई अड़ी थी कि उनको टिकट मिले पर लेकिन नहीं मिला। तो ये थोड़ा सा इक्वेशन हम बता दिए जो सो दैट की जो वहां व्यूअर्स हैं लाइव स्ट्रीम के उनको समझ में आए। अब आपने पप्पू यादव का सवाल किया, पप्पू यादव और चिराग पासवान क्या ये डिसाइडिंग फैक्टर रहे हैं, अंदर खेमे कुछ हुआ है ये बताइए। नहीं नहीं देखिए 2020 में निश्चित रूप से चिराग पासवान उस समय कैंडिडेट दिया था उन्होंने। हाँ, शंकर सिंह को। हाँ, और यही शंकर सिंह उस बार लोक जनशक्ति पार्टी से यहाँ से उम्मीदवार थे रुपौली में जी जी आम चुनाव के समय, लेकिन इस बार नहीं, इस बार तो चिराग पासवान मजबूती के साथ जो सो प्रचार प्रसार करने के लिए गए थे एनडीए प्रत्याशी जो कलाधर प्रसाद मंडल है जेडीयू के उम्मीदवार उनके लिए, तो इस बार वो खेल नहीं। लेकिन पप्पू यादव क्या आप सवाल कर रहे हैं, पप्पू यादव को लेकर के कांग्रेस कह रही है कि भाई रुपौली में तो बता रहे थे कि बहुत पकड़ है, बहुत अच्छा खासा वोट बैंक उनके साथ भी है, बहुत लगाव है रुपौली के लोगों को पप्पू यादव से। क्या हो गया, पप्पू यादव का क्या मैजिक काम नहीं किया रुपौली में कि वोट ट्रांसफर नहीं करवा पाए बीमा भारती को? बीमा भारती तो आशीर्वाद लेकिन पप्पू यादव के पास पहुंची। देखिए एक बात समझ लीजिए, इस बार जो है सो राजेश राठौर जो प्रवक्ता है कांग्रेस के उनका है कि पप्पू यादव कहते थे कि जो है सो रुपौली में उनकी पकड़ है। हाँ, है ना, तो वो ठीक है, वो उनकी पकड़ होगी, वो है कि नहीं है वो तो अलग विषय है, वो पप्पू यादव ही बताएंगे। और वोट जो जब बीमा भारती हार गई तो अब पकड़ है कि नहीं है तो स्पष्ट जनता के पब्लिक डोमेन में है, ये हमारे आपको कहने से नहीं होगा। अब रही बात की कांग्रेस जो कह रही है पप्पू यादव पर सवाल खड़ा कर रही है, ठीक है सवाल खड़ा करनी होनी भी चाहिए, लेकिन पप्पू यादव कभी भी बीमा भारती के लिए मंच साझा करते हुए पूरे उपचुनाव में नहीं दिखाई, बिल्कुल बिल्कुल। नंबर एक बात, नंबर दो बात की पप्पू यादव और तेजस्वी यादव कभी भी आरजेडी का जब प्रचार हुआ साथ में दिखाई पड़े क्या? नहीं पड़े। पप्पू यादव ठीक है आशीर्वाद उन्होंने दिया, आशीर्वाद तो कोई भी वोट अपील तो हाथ जोड़ करके कि हाँ भाई उनके तरफ से हम माफी मांगते हैं कोई नहीं काम हुआ, तो बहुत बड़ा बयान उन्होंने दिया था। ठीक है वो, ठीक है वह एक पॉलिटिकल, देखिए पॉलिटिकल स्ट्रेटजिक होता है, वो स्ट्रेटजी होता है, वो स्ट्रेटजी के तहत वो अपना किए, लेकिन कभी भी जनता के बीच गए नहीं वोट मांगने, तो यह ऊहापोह की स्थिति और छायावाद के रूप में हमेशा पप्पू यादव बीमा भारती के लिए प्रचार प्रसार करते रहे छायावाद के। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, तो ये कभी भी डायरेक्टली वो मने नहीं आकर के, तो यह कहीं ना कहीं दिखाई पड़ता है नंबर एक। नंबर दो बात, अब देखिए जो वहां पर दिखाई पड़ रहा है उपेंद्र कुशवाहा। हाँ, उपेंद्र कुशवाहा ने जो आज ट्वीट किया, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष हैं और एनडीए फोल्ड में है, तो वो उपेंद्र कुशवाहा ने रुपौली उपचुनाव परिणाम के बाद उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर बहुत बड़ी बात लिखी, बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने क्या कहा है, रुपौली में जेडीयू की हार एनडीए के माथे पर शिकन पैदा करने वाली है, यह जो है सो उपेंद्र कुशवाहा ने लिखा है अपने एक्स हैंडल पर, लेकिन परंतु संतोष
की बात यह है कि जनता राज्य में, मतलब जो राज्य में बिहार में जनता जो है सो 2005 के पहले की स्थिति के लिए जिम्मेदार पार्टी को बख्शने को अभी भी तैयार नहीं है। माने उनका कहने का मतलब कहीं ना कहीं वह आरजेडी की ओर इशारा कर रहे हैं, वह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो 2005 के पहले किस लिए जाना जाता था, जंगल राज, तो वो 2005 के पहले की स्थिति के लिए जिम्मेदार पार्टी को बख्शने को अभी भी तैयार नहीं है। और इस जो अभी जो उपचुनाव के परिणाम के आज नतीजे आए उसका यह साफ संकेत है और संदेश भी है कि भाई बीमा भारती को जो है सो पटखनी दे दी। देखिए लोकसभा के चुनाव में भी बीमा भारती आरजेडी से वहां से लड़ी थी और उसमें भी उनको हार का सामना करना पड़ा, विधानसभा के उपचुनाव में भी उनको हार का सामना पड़ा, यह उपेंद्र कुशवाहा ने स्पष्ट रूप से कहा है। लेकिन यह जो है सो एनडीए के लिए भी यह जो है सो चिंता की बात है। अब देखिए शक्ति यादव जो आरजेडी के प्रवक्ता हैं वो क्या कह रहे हैं, उपचुनाव के परिणाम चौंकाने वाला है, ये शक्ति यादव कह रहे हैं। बिल्कुल अति पिछड़ा की बात करके उनके साथ नाइंसाफी की बात करने वाले लोग किसको कह रहे हैं, बिल्कुल वो कहीं ना कहीं एनडीए को घेर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जदयू को घेर रहे हैं कि अति पिछड़ा की बात करके उनके साथ नाइंसाफी की बात करने वाले लोग, इसे मूर्त रूप दिया है। बिल्कुल तो नाम उन्होंने नहीं लिया किसका, लेकिन जेडीयू, लेकिन काम हो रहा है, माने जेडीयू के लोग माने काम अंदर खेमे काम कर रहे थे शंकर सिंह के साथ, कहना यही चाह रहे थे, कहना वही चाह रहे थे कि काम हो रहा है निर्दलीय के लिए, माने शंकर सिंह के लिए। बिल्कुल ये वो कर रहे हैं रुपौली में, और वो सवाल खड़ा कर रहे हैं, पूछ रहे हैं वो कि रुपौली में हारा कौन, अति पिछड़ा का बेटा और अति पिछड़ा की बेटी, ये कह रहे हैं। बिल्कुल माने कलाधर मंडल हारे जेडीयू से और बीमा भारती हारी जो है सो आरजेडी से, तो ये हारा कौन रुपौली में, अति पिछड़ा का बेटा और अति पिछड़ा की बेटी। अच्छा एक एक सवाल और भी है सर कि क्या तेजस्वी यादव से चूक हुई? देखिए सीपीआई सीपीएम ये तमाम जो इनके दल के नेता हैं वो नहीं, पप्पू यादव ने तो कहा है, देखिए पप्पू यादव ने जो वहां से निर्दलीय सांसद है राजेश रंजन पप्पू यादव, उन्होंने सवाल खड़ा किया है फरमान देने वाले युवराज, तेजस्वी यादव को कह रहे हैं कि फरमान भेजते थे युवराज माने तेजस्वी यादव, और हार से उनको सबक लेना चाहिए ये बात है, और एक आखिरी वक्त पिकनिक बनाने गए, एक घंटे के लिए आए और चले गए, ये कह रहे हैं। बिल्कुल और उसके बाद से सीपीआई सीपीएम माने वाम दल को भी नहीं वहां पर बुलाया। बिल्कुल तो ये, और देखिए निश्चित रूप से पप्पू यादव का एक दो सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट है इसमें कि वाम दल को वहां नहीं बुलाना। अब देखिए वही वाम दल 2020 के विधानसभा के आम चुनाव में विकास चंद्र मंडल वहां से लड़ रहे थे, सीपीआई के उम्मीदवार थे, इसी रुपौली में 41,963 वोट लाए थे। तो निश्चित रूप से जो पप्पू यादव कह रहे हैं कि वाम दलों को भी वहां जोड़ना चाहिए था, अगर यदि वाम दल जुड़े होते तो आज यह स्थिति नहीं होती बीमा भारती की। बिल्कुल ये जो है सो यह निश्चित रूप से यह बात उनकी बात समझ में आ रही है, और वो कह रहे हैं कि और बीजेपी जेडीयू के लोग अल्पसंख्यक पिछड़ा होती पिछड़ा के साथ इस नाइंसाफी किया है। बिल्कुल यह सब बात तो कह रहे हैं, शक्ति यादव भी कह रहे हैं इस बात। बिल्कुल देखिए बयानों का दौर तेज है, रुपौली उपचुनाव के नतीजे परिणाम आप सभी के सामने, लाइव सीरीज भी तस्वीरें अपडेट कर रही थी, आपने ग्राउंड जीरो से भी देखा कि आखिर रुपौली उपचुनाव में लोगों का मिजाज क्या था, मगर रवि सर ने कई बार आप लोगों को बताया है कि रेस तगड़ी है, रेस में शंकर सिंह पछाड़ सकते हैं, गति तेज होगी, और सच में शंकर सिंह की गति ऐसी रही कि सभी को पछाड़ा, नंबर एक पर खड़े हो गए और जीत का तिलक माथे पर लग गया। अब जेडीयू कांग्रेस राजद यूं कहें कि तमाम राजनीतिक दल में गर्माहट दिख रही है, बयानबाजी लगातार हो रहा है, एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है, मगर सवाल तो है बीमा भारती फिर तीसरे पायदान पर, समीक्षा होगी, किसने किया अंदर के में खेल। खैर इस वीडियो में इतना ही, अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर ले, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।